हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर द्वारा जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनकी विज्ञप्ति एवं विस्तृत जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दिनांक 13/4/2022 को ये विज्ञप्ति है जारी हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु जो छात्र है 2021-22 में आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ जो आवेदन की जो दिनांक है वो 20/4/2022 से 8/5/2022 तक है। यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईईजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एंडोस्कोपिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। ये सारे जो 12 कोर्सेज हैं इनमें आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आवेदन के लिए जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है वो क्या क्या है। यहाँ कम से कम न्यूनतम आपको 10+2 यानी उच्च माध्यमिक या सीनियर सेकेंडरी पास आउट होने चाहिए। कौन कौन से आपके 10+2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि आपके कम से कम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आपके यहाँ पर ले होनी चाहिए, या इसमें साथ में आपके गणित हो सकती है। तो क्या क्या हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स। साथ में आपने अंग्रेजी विषय भी साथ में उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए, तभी आप इस जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उसमें योग्य हैं, आवेदन के लिए पात्र हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि विभिन्न, अगर आपने 10+2 के समकक्ष अगर कोई कोर्स किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपने 10+2 के अंदर अगर अलग अलग पास नहीं किया है, फिजिक्स में आप पास नहीं है, केमिस्ट्री में पास नहीं है, या किसी एक सब्जेक्ट में पास नहीं है, तो आप आवेदन के लिए योग्य नहीं है। साथ में अलग से आपने अगर इंग्लिश विषय को पास नहीं किया है तो भी आप आवेदन के लिए पात्र नहीं रहेंगे। अगर आपने 10th, जो आपने 10वीं के बाद ITI या पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए करने को न्यूनतम 10+2 या उच्च माध्यमिक सेकेंडरी को समकक्ष मानते हुए आवेदन किया है, तो ऐसे अभ्यर्थी को पैरामेडिकल जो है पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता नहीं मानते हुए अयोग्य माना जाएगा। यानी अगर आपने ITI या पॉलिटेक्निक जो किया है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप इसमें एलिजिबल नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका एक परसेंटेज भी मैटर करेगा कि आपने 12th के अंदर कितनी आपकी परसेंटेज थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अनारक्षित वर्ग, जनरल ये और साथ में EWS के अभ्यर्थियों के लिए एक अर्हक उच्च माध्यमिक यानी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में कम से कम आपके 45% अंक होने चाहिए, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, MBC, अनुसूचित जाति SC तथा अनुसूचित जनजाति ST एवं शहरी वर्ग के जो न्यूनतम अंक कम से कम 40% अनिवार्य है। इससे अगर कम आपके परसेंटेज हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा 10+2 जो लास्ट कब पास होता पास आउट होना चाहिए, तो 10+2 की परीक्षा 2020-21 तक उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। सत्र 2020-21 के पश्चात उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं होंगे। आयु सीमा, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु जो है 17 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम जो अगर आपकी है तो आप एलिजिबल नहीं है। अभ्यर्थी ने जो आप 17 वर्ष है वो कहाँ कैसे काउंट करेंगे, आपकी जो DOB है उससे लेकर 31 दिसंबर 2021 तक आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं सीटों की संख्या को लेकर। सीटों की संख्या जो है आपने आप ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने के पश्चात राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त निजी एवं राजकीय महाविद्यालय संस्थानों की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या, पाठ्यक्रम के अनुसार विकल्प पत्र भरने के समय ऑनलाइन पोर्टल एवं विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो ये आपके जब ऑनलाइन फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद आपको
टोटल सीटों की संख्या बताई जाएगी, ये आपको वेबसाइट पर मिलेगी। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात वर्तमान जो शिक्षण सत्र के लिए किसी भी महाविद्यालय को अनुमत सीटों में वृद्धि अथवा नवीन महाविद्यालय को काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किंतु किसी संस्थान की मान्यता समाप्त होने की स्थिति में ऐसे संस्थान में आवंटित अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर अन्य महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त सीटों के अनुसार जो है आवंटन किया जा सकेगा। तो ये अलग चीजें, आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तब आपको सीटों की संख्या वहां पर बता दी जाएगी। आरक्षण जो है राज्य के नियमों के अनुसार लागू होगा। पाठ्यक्रम की जो अवधि है वो कितनी होगी? पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष की रहेगी। यहाँ पर सभी, और जो लैंग्वेज है वो हिंदी या अंग्रेजी, दोनों माध्यम में आपका पाठ्यक्रम रहेगा, और आपके जो प्रश्न पत्र होंगे वो भी हिंदी या अंग्रेजी भाषा में रहेंगे। बात करें कि प्रशिक्षण शुल्क कितना होगा, तो ये कोर्सेज की शुल्क की बात की जा रही है, आपके काउंसलिंग या फॉर्म भरने के शुल्क की बात नहीं की जा रही है। आपके जो ट्रेनिंग रहेगी 2 साल की, उसकी फीस की बात की जा रही है। ट्यूशन फीस 35,000 पर ईयर, यानी 1 साल में आपको 35,000 रुपये देने हैं। क्वेश्चन मनी आपको देनी पड़ेगी 5,000 रुपये, जो एक बार आपको देनी है कोर्स जो आपका स्टार्ट होगा जब, और आप जब कोर्स पूरा कर लेंगे तब आपको ये 5,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। फिर बात आती है तीसरी, यूनिफॉर्म फीस 1,500 रुपये एक बार आपको जो है यूनिफॉर्म फीस लगेगी। महाविद्यालय संस्थान द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में अभ्यर्थियों से 25,000 रुपये प्राप्त करेंगे। ये कॉलेज के लिए चीजें हैं, अपने कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात नहीं है। अपन को तो पूरे 35,000 जमा कराने पड़ेंगे, लेकिन इस 35 में से आपको 25,000 रुपये जो है महाविद्यालय जो है प्राप्त करेंगे। और काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय जो जमा कराई गई राशि है वो 10,000 रुपये संबंधित महाविद्यालय को काउंसिल द्वारा स्थानांतरित कर दी जाएगी। यानी जो आपकी जो ट्यूशन फीस 35,000 रुपये है, उसमें से 10,000 रुपये आपका काउंसलिंग करवाते समय पहले ही ले ली जाएगी, और जब आपका कॉलेज आवंटन होगा उस समय आपको 25,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। आवेदन प्रक्रिया एवं शुल्क, आवेदन आपको इसके लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम द्वारा ही ये क्या किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन द्वारा कोई भी प्रवेश जो है नहीं दिया जाएगा इसके अंदर। तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहाँ दे रखी है आपको वेबसाइट www.rajasthanparamedicalcouncil.org। यहाँ आप क्लिक करके या ये वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको SSO ID जो बनानी पड़ेगी वो बनाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ बात आती है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो है शुल्क जो है कितना लिया जाएगा। तो आप अनारक्षित वर्ग और आर्थिक कमजोर वर्ग या OBC एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1,500 रुपये तथा शेष अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1,000 रुपये आवेदन शुल्क का जो ऑनलाइन भुगतान करना होगा, और ये जो होगा आपको वापस नहीं मिलेगा, यानी ये नॉन रिफंडेबल होगा। अब दूसरी बात एक और कही गई है इन्होंने के द्वारा कि आपका जो फॉर्म भरते समय आपके पास जन आधार नंबर होना अनिवार्य है। तो आपके पास अगर जन आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप इसको जरूर पहले बनवा लीजिएगा। प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया एवं उसका शुल्क क्या रहेगा? तो जैसे ही आपके अंतिम तिथि यानी आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आपको एक प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके ऊपर कुछ आपसे आपत्तियां मांगी जाएगी, जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि मेरा नाम, कैटेगरी और मेरी जो परसेंटेज है वो सही रखी गई है या नहीं रखी गई है। उसके बाद वो आपको 3 दिवस का समय देंगे, और इन 3 दिन के बाद जब सबमिट हो जाएगी उसके बाद आपको फाइनल जो लिस्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले
होने के इच्छुक अभ्यर्थियों का अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क, यानी आपको जो काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको 10,000 रुपये अब यहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे। ये कैसे जमा होंगे, ये भी ऑनलाइन ही जमा होंगे। के उपरांत ही अभ्यर्थी महाविद्यालय या संस्था एवं पाठ्यक्रम के जो कॉम्बिनेशन है उनका चुनाव कर सकेगा। उसके बाद ही आप ये है ऑप्शन भर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स लेना है या कौन सी कॉलेज लेनी है, किन चयन कर सकते हैं। किंतु इन चयनित 4 पाठ्यक्रमों के साथ संस्थानों महाविद्यालयों के कितने भी समुच्चय को विकल्प के रूप में भर सकते हैं। यहाँ ध्यान रहे कि केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे जिनके द्वारा 10,000 रुपये जमा जो है राशि जमा करवाई जाएगी। अब ये जो 10,000 रुपये हैं वो वापस किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, जो आपने 1,500 या 1,000 रुपये जमा करवाए हैं वो तो बिल्कुल ही नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन ये 10,000 रुपये हैं वो आपको वापस जरूर मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं वो आप देख सकते हैं। अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क 10,000 रुपये का समायोजन काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को महाविद्यालय संस्थान आवंटन होने व उसके आवंटित कॉलेज में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित प्रस्तुत कर प्रवेश लेने के पश्चात प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण शुल्क में कर लिया जाएगा। कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपको कॉलेज मिल जाती है, आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आपका 10,000 रुपये वो कॉलेज फीस में इंक्लूड कर लिए जाएंगे। यानी आपको टोटल फीस 35,000 रुपये देनी थी, जिसमें से आपके 10,000 रुपये वहाँ कम कर दिए जाएंगे, तो वो वहाँ पर आपको कम देने पड़ेंगे। अब बात आती है कि अगर आपको कॉलेज आवंटित नहीं होता है, ठीक है, कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो आपको कंप्लीट 10,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। सभी राउंड के उपरांत महाविद्यालय या संस्थान आवंटित नहीं होता है तो इस संपूर्ण राशि को संबंधित अभ्यर्थी को आवेदन करते समय दिए गए बैंक खाते में लौटा दिया जाएगा। किंतु किसी अभ्यर्थी द्वारा, अब ये तो बात हो गई अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है उसके उस कंडीशन के अंदर, लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा आवंटन जो है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी राउंड में महाविद्यालय संस्थान आवंटित होने के उपरांत किसी उपरांत भी संबंधित कॉलेज या संस्थान में प्रशिक्षण हेतु रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में 3,000 रुपये आपके जो काउंसिल है के कोर्स के अंदर जमा कर दिए जाएंगे, यानी काट लिए जाएंगे आपके, और 7,000 रुपये आपको संबंधित अभ्यर्थी जिसमें आपने जिस भी बैंक से आपने फीस पेमेंट किया है उसमें वापस आ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 कंडीशन बनती है कि एक आपको 10,000 रुपये कब कब वापस होंगे या नहीं होंगे। तो एक कंडीशन जिसमें आपको महाविद्यालय या कॉलेज आवंटित हो जाता है, वहाँ आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपके वहाँ 10,000 रुपये फीस में कम हो जाएंगे। दूसरा, आपको कॉलेज मिलता ही नहीं है तो आपको पूरे पूरे 10,000 रुपये आपने जिस बैंक अकाउंट से कटवाए हैं उसमें वापस आ जाएंगे। तीसरी कंडीशन हो सकती है आपको कॉलेज तो मिला लेकिन आपने कॉलेज एडमिशन नहीं लिया तो आपके 3,000 रुपये काट लिए जाएंगे और 7,000 रुपये आपको बैंक में वापस कर दिए जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट, समस्त पैरामेडिकल जो महाविद्यालय संस्थानों में आवंटन अभ्यर्थी का आवंटन की कार्यवाही पूर्णतः अभ्यर्थी के N+2 प्राप्तांकों के आधार पर या वरीयता के आधार पर की जाएगी। जो आपकी परसेंटेज है 10+2 यानी 10वीं 12वीं के अंदर, 12वीं के अंदर ओनली, ठीक है, उसके आधार पर की जाएगी। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं रहे इस बारे में। अभ्यर्थी प्रवेश हेतु 2 ऑनलाइन काउंसलिंग व 1 मॉपअप राउंड काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। तो 2 आपके काउंसलिंग के जब ऑनलाइन राउंड करेंगे और 1 आपका मॉपअप राउंड होगा जिसमें आप ऑफलाइन जाकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग द्वारा आयोजित समस्त ऑनलाइन व ऑफलाइन काउंसलिंग के उपरांत भी यदि किसी महाविद्यालय संस्थान में सीटें रिक्त रहती हैं तो ऐसी रिक्त सीटों पर अभ्यर्थी आवंटन के समय आवंटन के विषय के संबंध में काउंसिल का अंतिम निर्णय जो निर्णय होगा अंतिम होगा। यदि 3 चरणों की काउंसलिंग के पश्चात भी आरक्षित सीटों
श्रेणी की सीटें रिक्त रहती हैं तथा उन्हें भरे जाने हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी रिक्त सीटों पर अनारक्षित श्रेणी माना जाकर उसे वरीयता अनुसार आवंटित किया जा सकेगा। यह राउंड ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जैसी परिस्थितियां हो उस प्रकार आयोजित किया जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उनको अनारक्षित श्रेणी का मानकर किसी अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा। प्रत्येक काउंसलिंग के पश्चात आवंटित जो है अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवंटन पत्र जारी कर संबंधित महाविद्यालय संस्थान में उपस्थिति प्रस्तुत कर प्रवेश लेने हेतु समय दिया जाएगा। समय सीमा समाप्त होने के उपरांत कोई भी प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रत्येक काउंसलिंग की रिपोर्टिंग के अंतिम दिवस के पश्चात रिक्त रही सीटों की का काउंसिल की वेबसाइट पर प्रकाशन किया जाकर आगामी काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। अगर मान लो आपके फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलता है तो आपको वहां पर एक समय दिया जाएगा जिसके अंदर आपको वहां जाकर कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। अगर आप इसके बाद में कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो वो सीटें आपको वेबसाइट पर दिखाई जाएगी जो सेकंड राउंड के अभ्यर्थियों के लिए अवेलेबल रहेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय संस्थान में उपस्थिति प्रस्तुत न करते हुए प्रवेश नहीं लिया है तो ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो कॉलेज मिला है वो आपको नहीं चाहिए, कोई दूसरा कॉलेज चाहिए, तो आपको एक बार कम से कम वहां जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यदि आप वहां रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आप दूसरे जो राउंड है, दूसरे राउंड की अगर कोई काउंसलिंग होगी उसके अंदर आप शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप अगर अपनी कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो एक बार कम से कम आप जाकर अपने वहां पर उपस्थिति दर्ज करवाएं। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के तृतीय चरण मॉकअप राउंड में शामिल किया जाएगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड के बाद में अगर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है या आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो आप केवल मॉकअप राउंड के लिए ही एलिजिबल होंगे, इसके बीच में आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। बात करते हैं कि परिशिष्ट ए के अनुसार संलग्न कार्यक्रम के अनुरूप प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटित संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को अपवार्ड मूवमेंट के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा, जो केवल अपवार्ड मूवमेंट के लिए हाँ अथवा ना के विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगा, जिसमें महाविद्यालय संस्थान एवं पाठ्यक्रम के जो कॉम्बिनेशन के विकल्प में वरीयता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिल गया, आपने कोई कोर्स चूज किया था, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप कॉलेज और जो आपने कोर्स लिए थे, जो आपने कोर्स चूज किए हैं उसमें आप चेंज कर दें, तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप सावधानी पूर्वक अपना फॉर्म भरें। जब भी आप फॉर्म भरें, जब आपको फर्स्ट काउंसलिंग के बाद अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको केवल हाँ या ना का विकल्प दिया जाएगा। आपको कॉलेज का जो क्रम है वो चूज करने का वहां पर अनुमति नहीं होगी। अपवार्ड मूवमेंट यानी आप जो कॉलेज चेंज करना चाहते हैं पहली काउंसलिंग के बाद, जिन अभ्यर्थियों को प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटन हो चुकी है तथा उनके द्वारा संबंधित महाविद्यालय संस्थान में रिपोर्टिंग में ज्वाइनिंग भी कर ली गई है, वे अभ्यर्थी अपवार्ड मूवमेंट हेतु पात्र होंगे। ये आपको बताइए यहाँ पर अपवार्ड मूवमेंट की प्रक्रिया देखो क्या कहे। अपवार्ड मूवमेंट केवल रिक्त सीट रही सीटों पर ही किया जाएगा। अपवार्ड मूवमेंट में अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग एवं द्वितीय काउंसलिंग के आवेदन के दौरान भरी गई आवंटित महाविद्यालय संस्थान एवं पाठ्यक्रम के समुच्चय के विकल्प से उच्चतर वरीयता के विकल्प के रूप में भरी गई रिक्त सीटों पर प्रवेश लेना चाहते हैं तो वे प्रथम ऑनलाइन एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद अपवार्ड मूवमेंट का विकल्प जो है कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको यहाँ बताया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को उनके विकल्पों के अनुसार पांचवी वरीयता की विकल्प की सीट आवंटित हुई है तो वे अपवार्ड मूवमेंट के माध्यम से विकल्प वरीयता क्रम में 1 से 4 की सीटों की पर रिक्त होने की अवस्था में नवीन आवंटन हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी अपवार्ड मोमेंट में केवल यस और नो का विकल्प यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा।
अतः यह विकल्प देने से पूर्व अभ्यर्थी आवेदन भरते समय भरे गए विकल्पों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर पूर्ण विचार कर लेवे, बाद में इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे वो। यहाँ काफी आपको अपवर्ड मूवमेंट के बारे में जानकारी दी गई है अलग अलग प्रकार की, तो आप पढ़ सकते हैं। मेन बातें हमने आपको यहाँ पर बता दी गई है। रिपोर्टिंग की जो समय है और उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी वो आप यहाँ देख सकते हैं। महाविद्यालय के आवंटन पश्चात आवंटित महाविद्यालय संस्थान में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिल के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की या नियमों के अनुसार निम्नांकित मूल दस्तावेज प्राप्त कर सूक्ष्मता से प्रेक्षण किया जाएगा। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखा जाएगा, उनका सत्यापन करने के उपरांत ही आपको जो है अनुमति दी जाएगी। यदि काउंसलिंग द्वारा नामांकन हेतु दस्तावेज जांच किए जाने के समय जानकारी में आता है कि महाविद्यालय द्वारा दस्तावेज पूर्ण नहीं होने अथवा दस्तावेज नियमानुसार नहीं होने के उपरांत भी अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया गया है, तो ऐसी स्थिति में महाविद्यालय संस्थान ऐसे प्रत्येक प्रकरण के लिए 10,000 रुपये की राशि आरोपी की जाएगी तथा अभ्यर्थी अपात्र होने की स्थिति में प्रवेश भी रद्द किया जा सकता है। तो ये जो आपको बताया गया है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके सही नहीं होते हैं तो आपका प्रवेश रद्द किया जा सकता है और 10,000 रुपये आपको वहाँ पे फाइन भी लग सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपस्थिति के समय चाहे गए जो दस्तावेज हैं वो कौन कौन से होंगे। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, अंक तालिका एवं जो है उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जो आपका जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और जो गणित है तथा अंग्रेजी विषयों में पृथक रूप से उत्तीर्ण हो तथा साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर अथवा अन्य किसी 10+2 की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो समकक्ष है उससे उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो ये हमें पहले ही पता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 10th और आपके 12th की जो आपके मार्कशीट है और जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। थर्ड जो आपके मांगा गया है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा ग्रहण की है, ये आप जरूर आपके पास होना चाहिए, ऑनलाइन में भी होना चाहिए आपके पास। और बात करें कि मूल निवास बोनाफाइड प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल बोनाफाइड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करते जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो आपके पास ये भी होना चाहिए जिस भी आप कैटेगरी में सीट लेना चाहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो है कब से कब तक का होना चाहिए, इसमें आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर आपको दिया गया है अन्य कोई प्रमाण पत्र, जैसे आपने अगर पीएच की कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके पास उसका भी होना चाहिए, सैन्य जन है तो उसके आप सर्टिफिकेट होना चाहिए, विधवा या तलाकशुदा है तो उसका, या अन्य कोई आपके पास सर्टिफिकेट लागू होता है तो वो भी आपको लगाना है। फोटो युक्त पहचान पत्र जो आपने आवेदन करते समय अपलोड किया हो अथवा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा जो किसी राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी किया गया हो तथा पर डिस्पेच नंबर, ओपीडी नंबर तथा दिनांक स्पष्टतया अंकित हो। साथ ही इस चिकित्सालय की राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी अथवा चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा जारी इस आशय हेतु जमा की गई राशि की रसीद भी प्रति जमा आपको करवाना पड़ेगा। तो आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा जिसके अंदर ये कुछ कुछ जानकारी आपके होनी चाहिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो शपथ पत्र आपको बनवाने हैं वो किस तरीके से होने चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर का समय अवधि 1 वर्ष वृद्धि का शपथ पत्र, तो इस तरीके से आपका ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर आपका मिलान कर सकते हैं। अब जो ऑनलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग जो होगी उसका कार्यक्रम कैसा रहेगा वो आप यहाँ देख सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग की जो आवेदन करने की तिथि है वो रहेगी आपकी 20/4/2022 से। तो यहाँ 20/4/2022 से आपका जो ऑनलाइन है वो आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि है वो आपकी 8/5/2022
2022 तक है। तो आप इस डेट को आप कम से कम पहले ही, आप अंतिम तिथि से पहले ही आप अपना फॉर्म भर लें, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। काफी बार वेबसाइट क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो इस परेशानी से बचने के लिए आप पहले ही आवेदन कर लें। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत जारी अंतिम वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत करने की जो आपको डेट दी गई है, वो 9 तारीख से आपसे 11 तारीख तक आपको टाइम दिया जाएगा कि उसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं तो आपसे आपत्तियां मांगी जाएंगी। प्रथम काउंसलिंग जो आपका होगा कब से होगी? प्रथम काउंसलिंग काउंसलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने एवं अग्रिम राशि जो आपका शुल्क है उसको जमा कराने की तिथि वो कब रहेगी? 13 तारीख से लेकर 19 तारीख, यानी 13 मई से लेकर 19 मई तक आप अपने जो 10,000 रुपये आपको जो शुल्क है वो जमा करवाने हैं, और साथ में आपने जो कौन कौन से कोर्सेज लेने हैं और कौन से कॉलेज चूज करने हैं वो आप 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक भर सकते हैं। प्रथम काउंसलिंग हेतु आवेदन पत्र जारी, पहली जो काउंसलिंग होगी उसकी लिस्ट कब आएगी तो आप देख सकते हैं 27 तारीख को पहली लिस्ट आएगी। आपको रिपोर्टिंग वहां कॉलेज में, आप जो भी आपको कॉलेज मिलता है उसमें रिपोर्टिंग का टाइम कब से कब तक है, तो 27 तारीख को आपका जो लिस्ट आएगी, 27 से लेकर आप 1 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपका अपवार्ड मूवमेंट शुरू हो जाएगा, या कह सकते हैं कि सेकंड काउंसलिंग। अपवार्ड मूवमेंट अगर आपको करना है तो अपवार्ड मूवमेंट हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि 2 तारीख से लेकर आप 5 तारीख तक अपवार्ड मूवमेंट कर सकते हैं। आवंटन पत्र जारी करने की तिथि जो होगी 11 तारीख की रहेगी, और उसके बाद महाविद्यालय संस्थान में उपस्थिति या रिपोर्टिंग जो करने की जो है, प्रथम काउंसलिंग में जिन्होंने अपवार्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया है वो छात्र जिन्हें अगर कॉलेज मिलता है तो 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक उन्हें रिपोर्टिंग का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद जो है द्वितीय का जो सेकेंड राउंड है वो काउंसलिंग का चालू होगा। तो देख सकते हैं आप द्वितीय जो काउंसलिंग का राउंड है वो कब से कब तक है, 17 जो है 6 से लेकर 23 है, यानी 17 जून से लेकर 23 जून तक आपका सेकेंड राउंड में आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं, अपना जो कोर्सेज है उसके कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं। सेकेंड राउंड के जो आपके आवंटन पत्र जो आपका लिस्ट जारी होगी वो 29 तारीख को जारी होगी। महाविद्यालय में रिपोर्टिंग की टाइम आपका रहेगा 29 जून से लेकर 4 जुलाई तक आपका टाइमिंग रहेगा। अगर आप उसके बाद भी अपवार्ड मूवमेंट चाहते हैं तो आपको अपवार्ड मूवमेंट के लिए टाइम दिया जाएगा, 5 तारीख से 7 तारीख तक आपको विकल्प पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवंटन जो होगा आपका 13 जुलाई को, आपको जो नई सीट है तो आपने अपवार्ड मूवमेंट के लिए की है तो आपको आवंटित हो जाएगी। उसके बाद 14 से लेकर 18 तारीख तक आपको क्या होगा, वहां रिपोर्टिंग करने का टाइम मिलेगा। उपरोक्त कार्यक्रम में आंशिक संशोधन जो है हो सकता है, उसके पूरे अधिकार आप जो है काउंसलिंग के पास है। इस तरीके से आप अपना पूरा जो फॉर्म है फिल कर सकते हैं, पूरी काउंसलिंग में सावधानी पूर्वक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपको कोई नया वीडियो बनाए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।